गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। तो आज मैं आया हूँ मेरे कॉलेज के दोस्तों के रूम पर। तो आज हम जाने वाले हैं किसी पार्क में घूमने के लिए, क्योंकि शाम के 6 बजने वाले हैं, तो धूप भी काफी कम हो गई है। तो हम जाने वाले हैं किसी पार्क में घूमने। तो ये सब रेडी हो गए हैं, अब हम निकलने वाले हैं रूम से। तो ठीक है, जब तक बने रहे हमारे वीडियो को लास्ट तक और दिखाएंगे बढ़िया बढ़िया चीज। हाँ, और देखते हैं क्या रिएक्शन होता है इस वीडियो में। कुछ थोड़ा बहुत रिएक्शन भी करने वाले हैं, तो प्लीज यार एंजॉय करिए वीडियो में और बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तो गाइस, देख सकते हो आप, हम निकल चुके हैं रूम से और छिंदवाड़ा का यहाँ पर एक पार्क है आगे गाइस, तो उसमें हम जाने वाले हैं। कौन सा पार्क है? भरतादेव। तो गाइस, हम जाने वाले हैं भरतादेव में। तो प्लीज बने रहे वीडियो पर, देखते हैं कितना क्या मजे आने वाला है इस वीडियो में। आ गए हैं पार्क के अंदर, क्योंकि ये भरतादेव पार्क है, और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या देखने लायक चीज़ है। यहाँ पर ज़्यादा पब्लिक सिटी तो कोई भी नहीं दिख रहेगा इस अभी, पता नहीं यार यहाँ पर कोई आता भी है, अभी तो फिलहाल कोई नहीं दिख रहा है। तो हम ही घूम लेते हैं, क्या कर सकते हैं यार गाइस। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं देखने लायक। यार यहाँ पर तो बस बहुत बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, अब देख सकते हो अब कितना बड़ा पत्थर है यार ये, वाओ। ठीक है, हम चलते हैं आगे और क्या है देखने लायक यहाँ पर, अभी तो बस पत्थर है। यार गाइस, सॉरी यार आप सबके लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पब्लिक सिटी नहीं दिख रही है, इस कारण कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है शायद इस वीडियो में, लेकिन फिर भी हम आपको बस यहाँ का जो पार्क है वो बता देते हैं इस वीडियो में कैसा क्या है। देख सकते हो बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर, यहाँ पर शायद मेला वेला भी लगता है, तभी यहाँ पर पब्लिक सिटी आती है, अभी तो फिलहाल में कोई भी पब्लिक नहीं है। तो गाइस, हम आगे आए हैं तो यहाँ पर एक डैम दिखा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा पानी भी है, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और बहुत अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे। देख लीजिए, ये इधर डैम बना हुआ है गाइस, और इधर पीछे हम देखते हैं पीछे का जो बैकग्राउंड है डैम के, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी चट्टाने हैं नीचे गाइस, देख लीजिए बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके नीचे चट्टान पे। गाइस देख सकते हैं यार, ये यहीं से नीचे उतर रहे हैं, मैंने इनको बोला कि उधर से चलते हैं, नहीं मान रहे, यहीं से उतरेंगे। भाई क्या बात है यार, बहुत नीचा है। ठीक है भाई, उतर जल्दी, ये भी उतरने वाला है, देखना हो आराम से गिर मत जाना। भाई बहुत नीचे है, देख ली, उधर से घूम के आना पड़ता है गाइस, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है, यहीं से उतरेंगे बोल रहे थे और यहीं से उतर गिरे। तो ठीक है गाइस, मैं उतर रहा हूँ नीचे अब। तो गाइस, मैं नीचे उतर गया हूँ, तो देख लीजिए यहाँ पर यार नीचे चट्टाने जो है वो कितनी बड़ी बड़ी चट्टाने यार, बहुत लंबी लंबी भी है, और देख लीजिए यहाँ का नीचे का बैकग्राउंड। तो हम आपको आगे ले जाने वाले हैं गाइस, तो देखते रहिए गाइस। देख लीजिए यहाँ पर कितनी बड़ी चट्टान है यार, ये जो चट्टान है गाइस ये बहुत बड़ी चट्टान है, बहुत दूर तक फैली हुई है, और ये जो एक पत्थर है गोल, ये भी काफ़ी बड़ा पत्थर लग रहा है गाइस, इसको उठाने के लिए तो बाहुबली को ही बुलाना पड़ेगा। और इधर ये मेरे दोस्त, ये खूब
फोटो खींच रहे हैं गाइस, इनको फोटो खिंचाने का बड़ा शौकीन है और मुझे वीडियो बनाने का। इधर हम चलते हैं आगे। ये जो पत्थर गाइस अब इस पे चढ़ने वाले हैं, काफी बड़ा दिख रहा है तो मैं इस पे चढ़ता हूँ। देख लीजिए गाइस, जब मैं इस पत्थर पे चढ़ा तो इधर का बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही हरियाली है और बहुत ही ठंडी हवा भी आ रही है क्योंकि यहाँ पर पानी है डैम का, तो बहुत ठंडा फील है यहाँ पर। तो ठीक है गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही यार। सॉरी यार, आज इस वीडियो में कोई रिएक्शन नहीं कर पाया आपके लिए, तो ज़्यादा मज़ेदार वीडियो नहीं बन पाई है, लेकिन यहाँ पर हम घूमने के हिसाब से आए तो मैंने सोचा कि यार एक वीडियो बना ही लूँ। तो प्लीज़ यार, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो गाइस तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ऑल कर देना ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, कुछ मज़ेदार वीडियो अगली वीडियो होगी गाइस। मैं कोशिश करूंगा मज़ेदार वीडियो बनाने के लिए, जो कि रिएक्शन वाली वीडियो होगी, काफ़ी मज़ा लाएंगे उसमें, इस बार तो हम नहीं ला पाए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय।